हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो क्रिएटर चंदन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल पर इतना सारा सपोर्ट दे रहा है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नया बिजली कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन सा गलती नहीं करना है, कहाँ पर पैसा आपको देना है, कहाँ पर नहीं देना है, कहाँ पर आपको पैसा लगता है, वो सभी बात हम इस वीडियो में बताएंगे आपको और सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेगा क्योंकि आप नया बिजली कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो वहां पर पैसा आपको मांगा जाएगा, लग भी जाएगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा हो रहा है तो कर सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो बात में छोड़ दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिजली कनेक्शन जब भी लेने जाते हैं आप, तो आपको वहां पर कुछ नहीं करना होता है, ऑनलाइन करना पड़ता है अप्लाई। वो आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी साइबर कैफे या दुकान पर जाकर करवा सकते हैं। सिस्टम जो भी चलाते हैं कंप्यूटर, वो बहुत ही आसानी से कर देंगे। वैसे आप गाँव के लड़के से भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन आपका फॉर्म कर देगा। और नहीं करना आता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख के और करवा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन है तो। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस है दोस्तों, वो प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लोकल ऑफिस से, वहीं पर ज़्यादातर आदमी का फॉर्म रुकता है। वहाँ पर इस कारण से रुकता है दोस्तों कि यहाँ पर ये फॉर्म रुक जाता है, कभी काल क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में भी दिक्कत होता है तो वहाँ पर भी रुक जाता है। और कभी काल आप लीगल मतलब जो भी सही डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं देते हैं तो फिर रुक जाता है। अगर सही सही दिए हैं तो रुक जाता है, तो आपको ऑफिस में पता करना चाहिए, आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पता करना चाहिए। और ऑफिस जहां भी आपका लोकल ऑफिस है वहां पर जाके आप उससे पता कर सकते हैं कि भाई मेरा फॉर्म क्यों रुका है। और इसके बाद दोस्तों आपको पता लगा लेना है क्या कमी है और उसके बाद उसको सही कर सकते हैं। और लोकल ऑफिस में जो भी ऑफिसर होते हैं वो आपको बता देते हैं अगर किसी कारण से आपका फॉर्म रुका है तो। इसके बाद दोस्तों बता दें, अगर ये आपका वेरीफाई हो जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है, तो इनके बाद अपने आप इंस्टॉलेशन सब कुछ आपके घर पर हो जाता है और वो सब कुछ फ्री है दोस्तों। जब तक आपके घर में दोस्तों बिजली जलने लगता है तब तक आपको एक रुपये भी चार्ज नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, चार्ज जब लगता है, जब आप नया बिजली कनेक्शन का बिल आता है तो उसी में जो भी कुछ आता है आपको कैलकुलेट होके आते रहता है। एक साल तक, डेढ़ साल तक नया बिजली कनेक्शन आपका रहेगा तो एक साल तक बिजली बिल ज़्यादा आएगा। और दोस्तों बात कर ले कि आपको इस बीच में पैसा देना है या नहीं, तो किसी को कोई पैसा देने की नहीं कहा है सरकार, और ना ही बिजली कंपनी जो है वो कहती है किसी को आप 2 रुपये भी। तो वैसे आपकी खुशी है, आप जो भी घर आपके इंस्टॉलेशन करने आता है, मीटर कनेक्टिंग करता है, उसको आप अपनी खुशी से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन वो भी कंपनी नहीं बोला है देने के लिए कैश में, आपको कुछ भी उसे चार्ज नहीं देना है। तो आप समझ गए कि आपको फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाता है, जब तक आपका बिल नहीं आता है तब तक फ्री में होता है, और उस बिल में आपका एक साल तक जुड़ के आएगा, जो भी पैसा लिया जाता है सब कुछ आपको ले लिया जाएगा एक साल तक के बिल में। और इनके बाद के बाद दोस्तों बात करें कि आपको और क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों एक बात और ये ध्यान रखना है, आपके लोड जब भी अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उस बीच में आपको लोड का बहुत बड़ा रोल होता है, और रोल आपको ये चीज़ ही आपके बिल पर इफेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा लोड लेते हैं या ज़्यादा यूज करते हैं लोड और लोड कम ले लेते हैं तो उस बीच आपको दिक्कत होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पहले समझ ले लोड क्या होता है और लोड को एक्चुअल लोड आपके घर का जो है उस हिसाब से कनेक्शन का लोड लीजिए। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आई बटन में वो भी वीडियो है, आप उसको पहले समझिए कि कैसे लोड कैलकुलेट करना है, क्या कितना लोड है आपके घर का, वो कैसे आप समझेंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में समझा दिया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो उसको देख लीजिए और फिर समझ लीजिए और एक्चुअल लोड लीजिए। और इनके बाद दोस्तों आ जाता है कि आपको बिजली बिल गलत आता है तो उसको भी देखना दोस्तों, और आपको देख लेना कि मेंशन जो हो रहा है आपके घर में मीटर नंबर जो बिल में आता है वो भी मिला के आपको देखना है कि बिल सही आ रहा है या नहीं, आपके मीटर में जो यूनिट है उस हिसाब से बिल आ रहा है या नहीं। और इनके बाद दोस्तों आपको गलती ये नहीं करना है जो कि आपके घर में सेकेंड हैंड मीटर लगे, तो आपको यहाँ पर आपको नया मीटर लगवाना है आपके घर में। कोई भी सेकेंड हैंड मीटर लगाता है, अगर इंस्टॉलेशन करता है कोई भी मिस्त्री वा कर्मचारी बिजली का, तो आपको नहीं लगवाना है, बोल देना मुझे नया मीटर चाहिए और मेरे घर में नया मीटर लगाओ आप। उससे क्या होगा दोस्तों कि सेकेंड हैंड मीटर में क्या
होता है, जला होता है, और उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जो यूनिट चला होता है वो आप में ऐड हो सकता है और आपको जो यूज नहीं किया उसका भी फालतू पैसा देना पड़ सकता है। जैसे कि मैं बताया हूँ मीटर चेंज करते समय आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उस वीडियो में आप जाके समझ सकते हैं उसको। और इनके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बिजली बिल भरते हैं तो टाइम पर भरें, और टाइम पर भरते हैं तो आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं लगता है और ना किसी तरह का दिक्कत होता है, आप टाइम पर भरें। अगर और 3-4 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आपका बिजली कनेक्शन काटने का भी ऑर्डर मिल जाता है, तो आपका बिजली कनेक्शन काट भी दिया जाएगा 3-4 महीने बाद। तो बिल आप टाइम पर भरिए, नहीं तो 1 महीने के बाद दूसरे महीने भर दीजिए, लेकिन बिल आप भरा कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका बिजली कनेक्शन बचा रहेगा और आपको रिकनेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, डिसकनेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इससे आप बचे रहेंगे। और आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है दोस्तों नया बिजली कनेक्शन जब भी लेते हैं, और ये चीज़ आपको समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना है। अगर समझ गए तो कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा।